News 18, India. बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है और जांच के बाद मामले पर फैसला होगा। 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस में सिपाही के पद के भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, मगर परीक्षा होने के बाद सोशल मीडिया पर आरोप लगने लगे कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो चुकी थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह अभ्यर्थियों ने विरोध किया, वो परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं और अब इस मामले में एक्शन हुआ है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में एक समिति बनाई गई है, जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई है और ये जब रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि उनको शिकायतें मिली हैं, पेपर लीक होने की शिकायतें मिली, कई लोगों से मिली और ऐसे में जब जांच होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी हम लोगों ने एक विज्ञप्ति की थी, उसके क्रम में एप्लीकेशन आए हैं मेल से, उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर निर्णय। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया हमने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे ज्ञापन दिया था उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ये कमेटी का तो गठन हुआ है, आप ये बताइए कितने मेंबर्स हैं इसमें और कब तक इनको जांच रिपोर्ट सौंपनी है? देखिए, ये इंटरनल कमेटी है, भर्ती बोर्ड के द्वारा ये बनाया गया है और ये इंटरनल कमेटी है। एडीजी रैंक के अधिकारी अशोक कुमार सिंह इस कमेटी को हेड कर रहे हैं और कल शाम 6 बजे तक इसकी मियाद थी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया था और जिन्हें लगता है कि पेपर लीक हुआ है, वो एविडेंस के साथ वो ईमेल के जरिए भर्ती बोर्ड को बताएं। तो कल बताया जा रहा है कि तकरीबन कल शाम 4 बजे तक जो मियाद थी, 1500 से ज़्यादा, तकरीबन 1500 के आसपास जो स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर लीक की शिकायत दी है, एविडेंस के साथ दी है या नहीं दी है, जो एविडेंस था, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एविडेंस के साथ मांगा था। अब देखना होगा कि जो 1500 शिकायतें दी गई है और जो इंटरनल कमेटी बनी है, वो इंटरनल कमेटी फैक्ट फाइंडिंग में क्या क्या उन्हें मिलता है और जिस तरीके से अगर कुछ एविडेंस मिलेगा तो जाहिर तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि 17 और 18 तारीख को जो सिपाही भर्ती मामले में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर पहले ही से ही लीक आउट थे, उसके बाद हमने बीते कल देखा कि किस तरीके से हर जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ के इको गार्डन में भी जहां पर प्रदर्शन स्थली है वहां पर भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ, पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया था। अमित, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,000 से ज्यादा पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा करवाई थी, लेकिन पेपर होने के बाद अभ्यर्थियों ने दावा किया कि पेपर तो लीक हुआ है, एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर देरी से पहुंचे और उनकी छपाई में गड़बड़ी भी थी, इसीलिए वो दोबारा परीक्षा कराने की भी मांग कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मांग भी यहां पर दिखाई दे रही है। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि पेपर लीक का आरोप बहुत संगीन आरोप लगा, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला और बहुत गुस्से में वो दिखाई दिए, लेकिन उनकी तरफ से यही मांग की गई कि इसकी जांच होनी चाहिए और फिर से पेपर कराए जाने चाहिए। और फिर तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, अब जांच के लिए समिति बन गई है जो हर एंगल से, क्योंकि कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो पाए गए हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एक तरफ जांच तो होनी ही है, एविडेंस जो मिले हैं उनको भी खंगाला जाएगा, लेकिन एक बड़ी मांग ये भी है कि दोबारा परीक्षा करवाई जाए। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है कि अगर फैक्ट फाइंडिंग आगे यहां पर बढ़ जाता है ये पूरा मामला, तो फिर ये कब तक हो सकता है दोबारा परीक्षा? देखिए, सबसे पहले तो है कि इंटरनल कमेटी के सामने वो तमाम एविडेंस आए जिससे ये प्रमाणित हो पाए कि वाकई में पेपर लीक हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सुबह 10 बजे से अगर एग्जाम है तो एग्जाम के कुछ घंटे पहले या 12 घंटे पहले ये पेपर लीक का मतलब ये होता है कि पेपर किसी और के पास हो जिसको सारे सवाल मालूम हो, सवाल के वो जवाब तैयार कर ले, इसको बोलते हैं पेपर लीक। जाहिर तौर पर फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है, जो इंटरनल कमेटी बनाई गई है एडीजी रैंक के अधिकारी के इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, पहले तो वो ये देखेंगे कि क्या वाकई में पेपर
मामले का मामला, क्योंकि मामले कई आए हैं। एक अभ्यर्थी जो था वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा था कि उसके एडमिट कार्ड पे सनी लियोनी का फोटोग्राफ था, तो भर्ती बोर्ड का ये भी कहना था कि जिन लोगों को पहले से ही ये भर्ती बोर्ड ने कहा था कि इस तरीके का अगर एडमिट कार्ड किसी का गलत फोटोग्राफ अगर उसके ऊपर आ जाता है तो वह अपना हार्ड कॉपी फोटोग्राफ का लेकर आए, उसको वहाँ पर चेक करके उसको लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से माइनर मिस्टेक्स जो हैं वो हर एक एग्जाम्स में हम देखते हैं जब सरकारी एग्जाम इस तरीके से होते हैं। तो फिलहाल तो कमेटी को ये देखना है कि वाकई में क्या पेपर लीक हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से प्लान तरीके से हम देखें तो बीते कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए, इको गार्डन में लखनऊ के प्रदर्शन हुए, तो जाहिर तौर पर और समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे इंडी गठबंधन के नेता हों कांग्रेस के नेता हों वो लगातार पेपर लीक की बातें कर रहे हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ सरकार एक बात जरूर कह रही है कि पेपर लीक अभी तक तो ऐसी बात निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ जो कमेटी बनाई गई है इंटरनल कमेटी, अगर उनके सामने जरूर ये आती है पेपर लीक का मामला, तो आगे का प्रोसीजर हम इसको फॉलो करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के हक में बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि इसको लेकर के सियासत एक तरफ लेकिन एक्शन जरूर भर्ती बोर्ड की तरफ से देखने को मिला है। शुक्रिया अमित आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद खफा बताए जा रहे हैं। यूपी की फरुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी के पास जाने से खफा सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। यहां तक लिख दिया कि फरुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, बगावती तेवर हैं क्या सलमान खुर्शीद के। यूपी की फरुखाबाद सीट से सांसद रहे हैं सलमान खुर्शीद, दो बार सांसद रहे हैं, लेकिन अब वो सीट जब हाथ से निकल गई है तो उनका दर्द भी इसके जरिए झलक पड़ा। और सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी के पास जाने से अपना दुख एक्स पर व्यक्त कर दिया है। उन्होंने लिखा है, फरुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है, किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूँ झुकूंगा नहीं, तुम साथ देने का वादा करो मैं नगमे सुनाता रहूं। सलमान खुर्शीद की गिनती कांग्रेस के टॉप लीडर्स में होती है, लेकिन जब उन्होंने बगावती तेवर दिखा दिए हैं, अब उनके बगावती तेवर क्यों हैं, आखिरकार पूरा मामला क्या है, वो खफा क्यों हो गए, ये हम आपको बताते हैं। यूपी की फरुखाबाद सीट इसी को लेकर के बवाल है, सलमान खुर्शीद खफा हो गए हैं और वो नगमे सुनाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए दर्द भी छलका है, साथ ही बगावती तेवर भी है। गठबंधन के तहत दरअसल एसपी के खाते में गई है फरुखाबाद की सीट और इसी को लेकर के आपत्ति है। एसपी से नवल किशोर शाक के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसी वजह से सलमान खुर्शीद खफा हो गए हैं। फरुखाबाद सीट से सांसद रह चुके हैं सलमान खुर्शीद, हालांकि 2014 और 19 में वो हारे थे इस सीट से, लेकिन 1991 और 2009 में वो फरुखाबाद से सांसद रह चुके हैं और 14-19 में बुरी तरीके से हार गए थे। इसी वजह से इस बार फैसला लिया गया कि समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट गई है, लेकिन सलमान खुर्शीद का दर्द भी है, बगावती तेवर भी है। एक बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से मिल रही है। यहाँ एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोटा में 3 शिक्षकों पर धर्मांतरण कराने के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया